बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी और कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजलाल ठाकुर ने कहा कि पिछले काफी समय से सेवानिवृत्त कर्मियों को ना ही डीए मिल रहा है, ना ही अन्य मांगों को पूरा किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस माह भी परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को अभी तक माह की 20 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पाई है, जबकि अन्य विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अगले माह की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन निगम के कर्मियों से भेदभाव की नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के 7,000 सेवानिवृत्त कर्मियों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों की लीव इन कैशमेंट 2018 से लंबित है। वहीं वर्तमान सरकार के भी 4.5 साल बीत चुके हैं, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों को 2015 से डीए नहीं मिला है। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी छठे वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निगम को अब ट्रांसपोर्ट बनाना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों की मांगों का भी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि न्यायालय द्वारा जो भी मामले सुलझाए गए हैं, उन निर्णयों को तुरंत लागू किया जाए। इससे पहले बिलासपुर जिला परिषद भवन में हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 9 मार्च को शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया और कहा गया कि आंदोलन के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। हमारी राज्य स्तरीय बैठक जिला बिलासपुर जिला परिषद भवन बिलासपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें आज हमने राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की है। आज हमने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 9 मार्च को प्रदेश भर से सेवानिवृत्त कर्मचारी शिमला मुख्य बस स्टैंड में पहुंचकर वहां से विधानसभा तक विराट प्रदर्शन करेंगे और उसी दिन ही अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारी मुख्य मांग है हिमाचल पथ परिवहन निगम में पेंशन का स्थायी हल करें। हिमाचल पथ परिवहन निगम को किस अधिसूचना को रद्द करके प्रदेश सरकार हिमाचल सरकार परिवहन विभाग का गठन करें और 2015 से जितने भी हमारे पेंशन रूल से संबंधित भुगतान है, हमारे भुगतान जितने भी है वो पेंशन रूल 1972 के तहत अंतर्गत आते हैं और वो पिछले जुलाई 2015 से लंबित है। हमारी लीव इन कैशमेंट 31 दिसंबर 2018 से लंबित है, हमारी ग्रेस्टी 31 मार्च 2019 से लंबित है और अन्य जितने भी हमारे भुगतान है वो सारे लंबित है। आज हम मांग करते हैं प्रदेश सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी, आप प्रदेश के अन्य सरकारियों की तर्ज पर हमें भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक समान रूप से एक समय पर आप हमारे पास साथ लागू करें, हमारे साथ अन्याय ना करें। हमारी जो सेवा काल की खून पसीने की कमाई है उसका भुगतान आप शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र करें।